बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जहां राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि राष्ट्रपति ने पीएम पद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो बने रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी के साथ वो काम करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि 8 जून को वह पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, यानी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत वो करेंगे। और इसी के साथ आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम नतीजे आ चुके हैं और 240 सीटों पर विजयी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन कहा जा रहा था कि वो 400 पार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस वक्त की जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा है और राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। हालांकि कहा जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी मोदी बने रहेंगे, यानी कि लोकतंत्र में ऐसा रहता है कि जब तक तीसरे जो भी अन्य दूसरा कार्यकाल जो रहता है वो जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है, उसके पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते रहते हैं। जैसा कि अभी कह सकते हैं जो मोदी हैं वो अभी अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते रहेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्होंने अपना पीएम पद का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। और उसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने इस दौरान उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अभी अपने जो पद के इस्तीफे के बाद अपना अभी जो भी कार्यकाल समाप्त हुआ है उसके बाद भी वे अपने काम को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, राष्ट्रपति भवन जाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा, प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। 8 जून को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन तब तक के लिए वे अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाते रहेंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी 5 जून यानी आज बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को राष्ट्रपति ने कहा है। ये लोकतंत्र में एक तरह की रिक्वेस्ट की जाती है, जब नई सरकार गठन होने वाली होती है उसके पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा देने पहुंचते हैं और इस दौरान राष्ट्रपति उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वह अभी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वे इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा देने पहुंचे, राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफे के साथ ही उन्होंने जो उनका मंत्रिमंडल था उसमें से कुछ मिनिस्टर्स का भी इस्तीफा उन्हें सौंपा है, जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया।